मैं तुम्हारे पीछे हूँ, इधर उधर क्यों ढूंढ रही हो? मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगी? तो क्या कर रही थी? मैं तुम्हारा घर देख रही थी। ज्यादा कमर लचकाओगी तो मुंह लगाना पड़ेगा। मूव। अबाउट टर्न, अबाउट टर्न। नाउ इट्स माय टर्न। क्या खुशखबरी सुनाई है? यस बॉस, राजधानी एक्सप्रेस से आज वो बॉम्बे सेंट्रल आने वाली है। तुम जागते हुए बोल रहे या सोते हुए? मैं उसे चढ़ते हुए देख रहा हूँ। संभाल के जाना, लड़कों से बचना। तुम भी उस ट्रेन में चढ़ जाओ, देखना वो ट्रेन से उतरने ना पाए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके बॉस। क्यों रे, जुआ खेल रहे हो? अरे एसी ऑन नहीं किया, गर्मी लग रही होगी ना। मुझे लगा एसी ऑन है। तेरी एसी की तैसी। आराम करो, खाते पीते हो, सोते रहते हो, जब देखो तुम लोग जुआ खेलते रहते हो। तो फिर क्या करें? संध्या मुंबई आ रही है राजधानी से, स्टेशन पर उतरते ही उसे यहाँ उठा लाओ। तुम लोगों का हार्ट फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लान फेल नहीं होना चाहिए। जाओ काम पर लग जाओ। सुनो। हाँ भाई। सब अपने अपने जगह ले लो। ठीक है भाई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 2727 राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने वाली है। यात्रियों से निवेदन है कि अपने साथ सुरक्षा खुद से। सुबू, मे आई हैव योर अटेंशन? ए सुबू, ट्रेन नंबर 727। रवि, रवि, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दूंगा, मगर ये बताओ क्या तुम मेरी बहन को छोड़ देते? नहीं छोड़ते ना? हेलो बाबू, जब तक मैं जिंदा हूँ तू तो क्या, यमराज भी मेरी बहन को नहीं छू सकता, समझा? यमराज भी। वेलकम बहना। ये क्या भैया, इतने सारे लोगों को लेकर आए हैं? मैंने क्या क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप ही क्या, तुम्हारे आने से हमें लग रहा है जैसे हमने फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। चलो घर चलते। मैंने पहले ही कहा था वो तुझे छोड़ के चली जाएगी। देखा, लड़की के पीछे भागने से कुछ नहीं होता, भागने तो बस के पीछे भागो, पैसे बचेंगे। अगर तू दुनिया में ना आता तो तेरे माँ बाप का खर्चा बचता। वो तुझसे प्यार करती तो खबर देकर जाती। हाँ ये एकदम सही बोल रहा है। चुप रे, क्या वो न्यूज वाली है जो मुझे खबर देती? वो मुझसे टू साइड लव करती है क्योंकि उसने मुझे भैया नहीं कहा, एक दिन सैया जरूर कहेगी। वो वाली लड़की को छोड़, ये वाली लड़की कैसी है? कौन सी वाली रे? वो मैराथन दौड़ रही है वो। मर जाती तो? टंका यादव, मेरे पापा हैं। सॉरी, फिर से गलती हो गई, आपके फैमिली मैटर में पड़ गया। आपकी बेटी ने प्यार किया और आपको ये पसंद नहीं। एक बाप के लिए अपनी बेटी से बढ़कर कोई धन नहीं। अपने जिगर के टुकड़े को संभालिए। थैंक गॉड, एक डॉन से छुटकारा मिला। रेडी? रेडीमेड? रेडी? आपका सुहाग कहाँ है? आंगन में। आज आपका मौनव्रत है। वेरी गुड, कैरी ऑन भाभी, घर की शांति बनाए रखने के लिए ये व्रत सबसे उत्तम है। रेडीमेड? सविता, दिल करता तेरी आंखों में डूब के लगे। रेडीमेड?
पानी में कैसे गिर गई? प्यासा तो मैं हूँ। रेडीमेड? हाँ। अरे कुएं में से क्या निकाल रहे हो? कुछ गिर गया है क्या? मेरी बाल्टी गिर गई है। बाल्टी बोल्टी भी है क्या? देखूं। बाल्टी मेरी गिरी है, तेरा क्यों पेट दुख रहा है? चल निकल यहाँ से। संध्या कुएं पे नहीं आई? संध्या सकारी कोई नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, चिल्लाओ मैं। जल्दी बाहर निकालो नहीं तो पानी में आग लग जाएगी। अरे निकाल रहा हूँ ना, कितनी मोटी हो गई हो, क्या जरूरत थी इतना खाने की? अरे बाप रे, रस्सी टूट ना जाए। अकेले खींच पाओगे? नहीं, मसल्स बाद में दिखाना, पहले रस्सी तो खींच। साड़ी में मेंढक घुस गया है। बहुत भारी है। खींच खींच, जोर से खींच। अरे मुझे नहीं, रस्सी को खींच। मैं खींच पाता तो तुझे क्यों बुलाता? चल खींच खींच, गेंडे की बेटी है, खींच। मैं तेरी आंखों में डूबने वाला था, तू खुद डूब गई। चलो बड़ा। अरे वाह, पानी में गिरने के बाद कितनी हेवी हो गई हो तुम। ये नाश्ते की जगह लंच जो करती है। चलो अच्छा है, नहा भी लिया। कोपचे में आना, कुछ पूछना है। जाके कपड़े बदलना। यार तूने मुझे बिना बताए संध्या को कहाँ भेजा है? अरे हाथ ना, तुझे क्यों बताऊँ? तो मैं बताता हूँ, पिक्चर देख। इमरान हाशमी कब बनोगे रेडी? इमरान हाशमी क्या? इसे मेल पर अपलोड करके तेरे साले साहब को भी भेजने की सोच रहा हूँ। मेरा MMS बनाने की क्या जरूरत थी? मैं को नेता हूँ, ये सब तो दुनिया को दिखाएगा। पापी तू चाहता क्या है? तो मुझे संध्या के पास ले चल। संध्या कोई बाबा है जो तुम्हें उसके पास ले चलो? वो झाड़ फूक करेगी तुम्हारा, उसका भाई मेरा साला तुम्हारी जान ले लेगा। नहीं बताएगा तो मैं भांडा फोड़ दूंगा। ऑटो का किराया दे दो। हाँ दे दो। मैं दे दूँ? हाँ। संध्या का घर तो कितना जानदार है ना? वक्त और हालात की बात है, तो तुम्हारे लिए जानदार है, मेरे लिए जानलेवा है। बिल दे और चल। बाय लागू बड़े साली जी। आओ रेडीमेड, इस महीने का खर्चा तो भेज दिया था, फिर कैसे आ गए? मुसीबत भी तो अचानक बिना बताए आती है। आएगी क्यों नहीं, तुम हरकत उसे बाज नहीं आता। बाज आने से पर्दा फांस हो जाएगा। रेडीमेड, तुम दिखने में तो विलन लगते हो, ये कॉमेडी कब से करने लगे? साले जी, जब से मुसीबत आई है मैं ठीक से उठ बैठ और लेट भी नहीं पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इंजेक्शन लगवा रखा है क्या? ये बीमारी इंजेक्शन वाली नहीं है, बंगाली बाबा के पास ताबीज लेनी होगी। ये तुम्हारे साथ कौन है? कृष्णा मेरे सर पे रहता है, मेरा मतलब ऊपर वाले घर में। नमस्ते सर। नमस्ते। चालाकी में कौवा, होशियारी में लोमड़ी है, अमेरिका से MBA करने की तैयारी कर रहा है। मैं इसके साथ इसलिए आया कि मुंबई में कहीं खोना जाए, सीधा लड़का है। ओके, वो रूम तुम्हारे लिए। जी सर। अरे पूछना संध्या का है। क्या हुआ? वो इंजेक्शन वाले जगह पे इसका हाथ टच हो गया। तो इतना चिल्लाते हैं? इडियट, जाओ बर्फ से सेक लो। बाप रे, बच गया। क्या रे, संध्या से मिलेगा? अब अगर संध्या का 100 भी बोला ना तो मैं तेरी सुसु निकाल दूंगा। मत मार। क्यों? तेरी पैंट सरक जाएगी। पैंट और बेल्ट दोनों मेरी है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तेरे पापों का प्रायश्चित मैं करूंगा, खुद को मार के। संध्या को देखने से पहले तू अंधा क्यों नहीं हो गया? गंदा है तू। मुझे रोकने की बजाय तू खिड़की से बाहर जाके क्या देख रहा है? संध्या हो गई मगर संध्या नहीं दिखी। संध्या, संध्या सकारी तुम्हारी। मेरा माल आने से पहले इसकी खाल ना निकल जाए। हर वक्त मेरे पीछे क्यों लगे रहते हो? भाई का ऑर्डर है दीदी। इसके ख्याल ने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया है। कपड़े बदलने दो, चलो यहाँ से जाओ। बड़ी जल्दी चला तू, घूम रही तो नहीं था? हेलो, मैं भूत का प्रेत, आई माइसेल्फ। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे लिए यहाँ तो क्या, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने दिल की बात बता दो, मैं चला जाऊंगा। कौन सी बात? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? मुझे बिना बताए तुम क्यों चली आई? क्यों बताओ तुम्हें? नहीं बताओगी मतलब तुम जानती? चुप रहो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मेरे भाई ने तुम्हें मुझसे बात करते हुए देख लिया ना, तुम्हें मार डालेंगे। मैं मौत से नहीं डरता हूँ, मजनू मेरे खालू जान लगते हैं। विदाउट जवाब नोइंग, आई एम नॉट मूविंग। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो मैं नहीं जाऊंगा।
तुम इस तरह से मेरी आंखों में क्या झांक रही हो? जल्दी से ये नैन मटक्का हटा लो वरना पावर वाला चश्मा लग जाएगा तेरे को। आ गया हड्डी के अंदर का बुला। जीजा जी आप भी यहाँ पर, आप कब आए? बाद में विस्तार से बताऊंगा। अरे साले जी यही आ रहे हैं, जल्दी निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें घर दिखा रहा था और तुम किसके रूम में घुसाए? तुम दिशा भटक गए हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी वजह से मुझे उल्टी आ रही है, मेरी किस्मत फूट गई थी, तुम्हें यहाँ लाया। पाप पड़ता हूँ, चलो यहाँ से। चलोगे ना? हाँ हाँ ठीक है चलो। सुनो संध्या, मैं आया अकेला हूँ लेकिन जाऊंगा दुकेला। जल्दी चल वरना कल तू मिलेगा मरेला। और ये अमेरिका से मंगवाया है, मेड इन इटली। ये मार्बल इटली का है। इटली का नहीं, डुप्लीकेट लगता है। क्या हुआ, थप्पड़ क्यों मारा? इसे तोप से उड़ा देना चाहिए। इस मार्बल को डुप्लीकेट बोलता है जब ये मेड इन इटली का माल है। आप जाइए साले जी। इटली छोड़, मैं तुझे इडली खिलाता हूँ, वो भी माटूंगा का। मैंने बस दिखावे के लिए तुम्हें मारा था। अरे वैसे भी मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, दिखावे के लिए कार तो मार ही सकता हूँ। बोलो ना, नाराज तो नहीं हो? मैं तुम्हारे कपड़े जूते सब साफ कर दूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो। कहाँ देख रहे हो तुम? चल अंदर चल, पापी कहीं का।